हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। अब यह हिंदी क्लास। हिंदी में बच्चों हमने पार्ट 3 सुबह की से कविता सीखी थी। आज हम उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मैं आपको प्रश्न उत्तर समझा देती हूँ, ध्यान से सभी बच्चे समझेंगे। कसरत करने से क्या होता है? कसरत मीन्स क्या होता है? एक्सरसाइज, व्यायाम। कसरत करने से क्या होता है? कसरत करने से हमारे शरीर को लाभ मिलता है। हमारे शरीर को क्या होता है? लाभ मिलता है। बहुत सारे फायदे होते हैं इसके। या कसरत करने से हमारा शरीर स्वस्थ बनता है। हमारा शरीर क्या बनता है? स्वस्थ बनता है। कसरत करने से हमारा शरीर स्वस्थ बनता है, मतलब कि हम रोगों से, बीमारियों से हमारा शरीर दूर होता है। ओके, दूसरा प्रश्न है हमारा, सुबह जल्दी क्यों उठना चाहिए? सुबह जल्दी क्यों उठना चाहिए? सुबह जल्दी उठने से हमें स्वच्छ हवा मिलती है। सुबह जल्दी उठने से हमें क्या होता है? हमें स्वच्छ ताजी हवा मिलती है। और बच्चों इसमें हम बहुत कुछ और भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी आप छोटे बच्चे हैं, आप बड़ा नहीं लिख पाएंगे, नहीं याद कर पाएंगे, लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ। सुबह जल्दी उठने से भी, आप सुबह जल्दी उठेंगे तो आपके सभी काम सही समय पर पूरे होंगे। यदि आप लेट उठेंगे तो आप लेट ब्रेकफास्ट करेंगे, आपका नाश्ता लेट करेंगे, आपका जो भी दिनचर्या है आपकी, आपको होमवर्क करना है, आपको क्लास वर्क करना है, आपको पढ़ाई करनी है, कहीं घूमने जाना है, आपको नहाना है, आपके सारे काम देरी से होंगे। आप कोई भी काम समय पर नहीं कर पाएंगे। और जल्दी उठेंगे तो हमारे सभी काम समय पर होंगे और हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। सुबह जल्दी उठने से हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। लेकिन आपको केवल ये छोटा सा पॉइंट याद करके लिखना है, सुबह जल्दी उठने से हमें स्वच्छ हवा मिलती है। हमें स्वच्छ हवा मिलती है। इसके बाद लास्ट प्रश्न है, 5 अच्छी आदतें बनाइए। तो हमें क्या क्या 5 अच्छी आदतें बनाना है? 5 अच्छी आदतें। सुबह जल्दी उठना, मैंने अभी आपको बताया था पिछले प्रश्न में, हमारा क्या होगा यदि हम सुबह जल्दी उठेंगे तो सारे काम सही समय पर होंगे। तो हमें पहला पॉइंट है सुबह जल्दी उठना। सेकंड पॉइंट, माता पिता का आदर करना। पापा मम्मी का हमें क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट करना चाहिए, आदर करना चाहिए। कोई भी बड़े हों अपने घर में, हमें सभी का आदर करना चाहिए। उनसे चिल्लाकर कभी भी नहीं बोलना चाहिए। कई बच्चे चिल्लाकर बोलते हैं, आप तो नहीं बोलते ना चिल्ला के। थर्ड, रोज सुबह कसरत करना। मैंने आपको जब हमने बुक पढ़ी थी, हमने कविता समझी थी, जब भी मैंने समझाया था, रोज सुबह कसरत करना। कसरत करने से, व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है ना, और हम रोगों से मुक्त होते, बीमारियों से मुक्त होते हैं, बीमारियां दूर चली जाती हैं। फोर्थ पॉइंट है, रोज भगवान की प्रार्थना करना। ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है, भगवान की पूजा करना। हमें रोज भगवान की पूजा करना चाहिए। गॉड से हमको ब्लेसिंग चाहिए ना, भगवान हमें आशीर्वाद देते हैं, भगवान की पूजा हमें डेली करना चाहिए, भगवान को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, रोज स्कूल जाना। हमें रोज स्कूल जाना चाहिए। कई बच्चे स्कूल आने में के लिए मना करते, नहीं मम्मी आज नहीं जाना है, लेकिन स्कूल आएंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे, अच्छे बच्चे बनेंगे। आपको सभी को आगे बढ़ना है तो हमें स्कूल आना है और पढ़ाई करना है। तो ये 5 अच्छी आदतें आप लोग याद करेंगे, आपकी कॉपी में कंप्लीट करेंगे। ओके चिल्ड्रन।